दोस्तों, सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म शेरशाह को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। इतना ही नहीं, सिद्धार्थ की एक्टिंग की भी खूब तारीफ हो रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान खान किसे चाहते थे विक्रम बत्रा की बायोपिक में? जी हाँ, सलमान खान सिद्धार्थ मल्होत्रा को नहीं बल्कि आयुष शर्मा का नाम सजेस्ट कर रहे थे विक्रम बत्रा के लिए। इसका खुलासा फिल्म के प्रोड्यूसर शब्बीर बक्सा वाले ने किया। शब्बीर ने बताया कि इस फिल्म के लिए सलमान ने आयुष्मान का नाम सजेस्ट किया था, लेकिन उस वक्त पहले ही सिद्धार्थ मल्होत्रा का नाम फाइनल कर लिया गया था। वो चाहते थे कि आयुष इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड में डेब्यू करें और वो इस फिल्म में मेरे पार्टनर बने। हालांकि विक्रम बत्रा का परिवार चाहता था सिद्धार्थ मल्होत्रा ही विक्रम बत्रा का किरदार निभाएं, और तब तक एक्टर और विक्रम बत्रा का परिवार मिल भी चुका था। शब्बीर ने आगे कहा, दूसरे एक्टर के लिए सिद्धार्थ को ड्रॉप करना सही नहीं होता। जब विक्रम बत्रा के परिवार ने मुझे राइट्स दिए, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मोमेंट था। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मैं किसी भी हाल में कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था। मैंने फिर सलमान खान को समझाया, उन्होंने मेरी बात समझी। साथ ही साथ आयुष शर्मा ने भी मान लिया कि डेब्यू के साथ ही डबल रोल प्ले करना उनके लिए काफी कठिन होता, और उन्होंने बाद में जाकर लव यात्री से बॉलीवुड में डेब्यू किया। शेरशाह की बात करें तो फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। सिद्धार्थ के अलावा कियारा आडवाणी के काम का भी सभी तारीफ कर रहे हैं। सिद्धार्थ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विक्रम बत्रा के बारे में जानने के लिए मैं तुरंत उनके भाई से मिला। मैं उनके बारे में जानना चाहता था। जब भी आप किसी सच्चे साहस इंसान के बारे में सुनते हैं तो आप बहुत इंस्पायर होते हैं और चाहते हैं कि उनकी कहानी सब सुने। हर भारतीयों को विक्रम बत्रा की वीरता और देशभक्ति पर गर्व करना चाहिए। इस फिल्म में काम करके काफी मजा आया। वेल दोस्तों, हमने सिद्धार्थ मल्होत्रा को फिल्म में काम करते हुए देखा, उनकी एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया। अब इमेजिन कीजिए कि अगर सिद्धार्थ मल्होत्रा की जगह फिल्म में आयुष शर्मा होते फिर कैसा होता फिल्म? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी इमेजिनेशन शेयर करें। कैसी होती फिल्म आयुष शर्मा के साथ? थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।